एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नुपुर सिंह ब्लॉग। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है एक मेकअप ब्लॉग और आज मैं आपको ये सिखाने वाली हूँ कि 500 के अंदर आप अच्छा मेकअप कैसे कर सकते हो। और जैसा कि आप देख सकते हो, ये मेरा मेकअप और यही मैंने आज अचीव किया है सिर्फ 500 के अंदर। और कुछ ऐसी ट्रिक मैं सिखाऊंगी आपको कि आपके पास मेकअप प्रोडक्ट ना होते हुए भी आप अच्छा मेकअप कैसे कर सकते हो। तो ये सिंपल लुक देखने के लिए मेरी वीडियो में बने रहें। और मैं आज आपको सिखाने वाली हूँ कि 500 के अंदर आप मेकअप कैसे कर सकते हो। बहुत लोगों को पैसों की प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से उन्हें मेकअप करना तो पसंद है लेकिन वो इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि बजट से बाहर हो जाता है। तो मैं आज ये आपको सिखाऊंगी। जैसे कि आप देख सकते हो, मेरी स्किन पे मैंने कुछ नहीं लगाया हुआ है, जस्ट मैंने एक सिंपल फेस वॉश किया है और मैं अभी बस आपके सामने बैठी हूँ। और मैं अभी लगाने जा रही हूँ ये ऑयल। ये 55 रुपीज़ का ऑयल है, जॉनसन्स बेबी ऑयल, आप देख सकते हो। मॉइस्चराइजर की जगह पे मैं यही यूज़ कर रही हूँ अपने फेस पे। पहले हाथ से रफ कर ले अच्छी तरह से। देख सकते हैं मैंने फेस पे ऑयल अप्लाई कर लिया है। अब मैं डायरेक्ट फाउंडेशन लगाने जा रही हूँ। यह है ओलिविया पैन स्टिक, ये भी बहुत कम प्राइस में आपको 150 में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने अच्छे से इसे मिक्स कर लिया है अपने फेस पे और ये काफ़ी अच्छा शाइन भी दे रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो, ये काफ़ी अच्छा फाउंडेशन है, आप ज़रूर यूज़ करें। इससे कोई स्किन डैमेज नहीं हो सकता है क्योंकि हमने पहले से ही ऑयल लगा रखा है। गाइस, मेरा फाउंडेशन लग चुका है और अब मैं लगाने वाली हूँ कॉम्पैक्ट पाउडर, ये भी 150 के आसपास है। इसे अच्छे से डैब डैब करके लगाएं। वो आपसे ये मिस्टेक हो जाती है कि आप यूं खींच खींच के लगाते हैं जिससे आपका फाउंडेशन बाहर आ जाता है, ये गलती ना करें। इसे डैब डैब मोशन में ही लगाएं। जैसे कि आप देख सकते हो मैं लगा रही हूँ। इसे आपको स्किन में बैठाना है, ना कि इसे निकाल देना है। जैसे फेस पर लगा लिया है, अब मैं अपने ब्रोज को फिल करूँगी। मैं आईब्रो पेंसिल ले रही हूँ, ये भी 150 के आसपास है। कर लिया है, अब आई शेडो की टर्न। अब देख सकते हो आप, ये आई शेडो है, ये भी 200 के आसपास आ जाएगी। अब मैं इसे फिल करके दिखाती हूँ अपने आई लिड पे कि ये कैसा इफेक्ट देता है। तो मैं इसमें से कॉन्टोर शेड पिक कर रही हूँ, ये देख सकते हो आप, ये ब्राउन शेड जो है इसमें। अब मैं इसे एक क्रीज लाइन बनाऊंगी। देख रहे हैं गाइस, काफी ज्यादा पिगमेंटेड है तो आपको ज्यादा महंगे प्रोडक्ट लेने की भी जरूरत नहीं है, इससे भी आप अच्छा मेकअप कर सकते हो।
देख सकते हो मेरा आई शेडो कम्प्लीट हो चुका है। अब मैं लोअर वाटर लाइन पे भी थोड़ा प्रोडक्ट अप्लाई कर लूँगी, क्योंकि मैंने अपना आई शेडो कम्प्लीट कर लिया है। अब मैं थोड़ा वाटर लाइन पे भी लगा लूँगी सेम शेड। लाइट हैंड से इसे अप्लाई करें, बिल्कुल लाइट हैंड से। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मेरे वाटर लाइन पे भी मैंने अच्छे से अप्लाई कर लिया। मेरा आई शेडो ऑलमोस्ट डन हो चुका है और अब मैं इसी पैलेट से आपको कॉन्टोर करके भी दिखाऊंगी। इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ मेरे पास कॉन्टोर नहीं है अब मैं क्या करूँ, कॉन्टोर होना ही ज़रूरी है, कॉन्टोर खरीदना पड़ेगा तभी कॉन्टोर होगा, नहीं ऐसा नहीं है। आप बिना कॉन्टोर के भी आप कॉन्टोर कर सकते हो। अब मैं सेम पैलेट से आपको कॉन्टोर करना भी दिखाऊंगी। बस करना क्या है कि आप मतलब इसमें हल्का सा, सिर्फ हल्का सा फिंगर, हल्का सा ऐसे करें, इसमें हल्का सा प्रोडक्ट लेना है, ज़्यादा नहीं, नहीं तो वो बहुत अजीब सा हो जाएगा। ज़रा सा लाइट शेड लेना है नोज़ के जस्ट सामने से, जस्ट एक लाइन क्लिक करनी है और इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। सेम दूसरे साइड से भी सेम वही करें, लाइट सा शेडो लेना है और उसे अच्छे से मिक्स कर देना है। सो गाइस, आप देख सकते हैं मेरा नोज कॉन्टोर हो चुका है। यह एक न्यू हैक, अगर आपके पास मेकअप नहीं है तो आप कैसे मेकअप कर सकते हैं। ये देखिए मेरा गाइस, मेरा नोज अच्छे से कॉन्टोर हो चुका है सेम पैलेट से, मैंने कोई चीटिंग नहीं की है। आप देख सकते हो आपके सामने मैंने इसे पिक करके ये लगाया है और सेम पैलेट से। अब हमारे पास हाईलाइटर नहीं है, अब वो हम क्या करें, सेम पैलेट से आप हाईलाइट भी कर सकते हो। सो गाइस, जैसे आप देख सकते हो मैंने से इसमें से ही एक लाइट शेड वाला, ये सिर्फ सिमर है, इससे मैं हाईलाइट भी कर दूंगी अपने नोज को। सिर्फ टच करना है गाइस, ज्यादा ना ले ले नहीं तो उसका कलर आ जाएगा। सिर्फ ऐसे टैप टैप टैप, हल्का सा फूंक ले, हल्का ऐसे ऐसे कर ले, सिर्फ इसका ग्लिटर हमें चाहिए। सो गाइस, देख सकते हैं आप मेरा हाईलाइटर भी ऑलमोस्ट डन हो चुका है और सेम मैं इसी पैलेट से हल्के से डैब डैब करके थोड़े से आईब्रोज के नीचे वाले पार्ट को भी हाईलाइट कर लूंगी। सो गाइस, देख सकते हो आप मेरा ये पार्ट भी हाईलाइटेड हो चुका है और अब मैं इसी सेम पैलेट से मैं ब्लश भी लगाऊंगी। मैंने ये पिंक कलर लिया है, एक्सेस को बाहर कर दें। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि मेरा ब्लश भी लग चुका है और मैं सेम ये वाला जो कलर है, सेम ये वाला जिससे मैंने आई शेडो लगाया, कॉन्टोर किया, अब मैं इसे ही लेकर के अपने चिकबोन को भी हाईलाइट कर दूंगी। अब मैं सेम ये प्रोडक्ट लेकर के अपने चिकबोन को भी कॉन्टोर कर दूंगी, हल्का सा लेना है। देख सकते हो आप कि मैंने आई शेडो ब्रश से ही कॉन्टोर भी कर लिया है और आई शेडो से ही भी कॉन्टोर कर लिया है। आप देख सकते हो मेरे चीकबोन काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं और मैं अब इसे जॉलाइन भी कॉन्टोर करूँगी सेम आई शेडो से। ये देख लीजिए, ये सेम आई शेडो से ही मैं जॉलाइन भी बना रही हूँ अब अपनी। सो गर्ल्स, अब ये ना कहना कि मेरे पास मेकअप का प्रोडक्ट नहीं है, मैं क्या करूँ, मेरे पास महंगे प्रोडक्ट नहीं है, मेरे पास कॉन्टोर नहीं है, मैं क्या करूँ। अब आप देख लो कि ये लाइफ हैक है, आप कैसे अपने अच्छा मेकअप कर सकते हो आप खुद से। आपको कॉन्टोर की ज़रूरत नहीं है, आपको कॉन्टोर खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आप एक सिंपल सा बजट फ्रेंडली मेकअप कर सकते हो। मैंने वो काफ़ी हैक आपको सिखा दिया है। देखिए आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा ये आया कट आया है और जिससे मैंने किया, ये कॉन्टोर नहीं है गाइज, ये है आई शेडो पैलेट से, वो भी
सस्ती वाले आई शेडो कलर से, तो आप देख सकते हो आप अपना चॉइस से कॉन्ट्रोल कर सकते हो। इसका फायदा है आप इस आई शेडो को लगाओ और उसे कॉन्ट्रोल भी करो। और अब मैं सेम पैलेट से अब मैं अपने हाईलाइट भी करूँगी चीक्स को। जैसे कि आपने देखा इस पर लाइट शेड तो है नहीं, तो ये है ग्रीन में, तो इसमें से हम हल्का सा लेंगे और इसे ना एक्सेस निकाल देंगे। एक्सेस निकाल दोगे ना तो सिर्फ इसमें शिमर बचेगा, शिमर बचेगा तो वो क्या करेगा, वो हाईलाइट कर देगा आपकी चीक्स को। जैसा कि आप देख सकते हो मैं अभी चीक्स हाईलाइट कर रही हूँ सेम पैलेट से। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी चीक्स भी हाईलाइटेड हो चुके हैं। अब मैं थोड़ा सा इसे अपने यहाँ को इस प्लेस को भी हाईलाइट कर दूंगी, हाईलाइटेड एरिया पे नोज पे। देख सकते हो आप काफी अच्छा लग रहा है, अपने हाईलाइटेड पॉइंट को इससे हाईलाइट कर लें। इसके लिए आप इस टाइप की लिप लाइनर का यूज कर सकते हैं, ये 40 रुपीज का आता है, तो मैं आप इससे लगा कर दिखाऊंगी। सो गाइज आप देख सकते हो कि मेरा लिपस्टिक भी डन हो चुका है 40 रुपीज में ही। और अब मैं लगाने वाली हूँ काजल, ये भी एलेगेंट का काजल है, ये भी वही 100-120 ऐसे करके कुछ आता है, और इसे आप यूज़ कर लें। अगर आपके पास फ्रेंड्स काजल नहीं है तो आप घर पे भी काजल बना सकते हैं। आप तो जानते ही हैं नानी दादी हमारी काजल बनाती थी घी से, वो आपको तो बेटर पता होगा, वो भी अच्छा होता है, वो भी आप अपने काजल में यूज़ कर सकते हैं। तो आप जैसा कि देख सकते हो ये है लैक्मे आईलाइनर, ये 130 का आता है, आप इसे यूज़ कर सकते हो। मुझे तो ये बहुत पसंद है, मैं तो यही लगाती हूँ, और इससे बेटर आपको क्या ही मिलेगा। और आप देख लेना ये काफ़ी पिगमेंटेड है और ये काफ़ी अच्छा होता है, मैं अभी आपको लगा करके दिखाऊंगी। मैं लाइट मेकअप कर रही हूँ इसलिए मैं लाइनर सिंपल डिसेंट ही रखना चाहती हूँ, तो मैं पतली सी ही लाइन ड्रॉ करूँगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने ओवरऑल अपना मेकअप कंप्लीट कर लिया है। वो कैमरा जूम करके दिखाती हूँ क्योंकि आपको ये लगेगा कि नहीं दूर से दिखा रही है, सामने से स्किन अच्छी नहीं लग रही होगी, तो मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ।